धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके में जमीनी विवाद को लेकर कुछ युवकों ने लामबंद होकर एक 16 वर्षीय नाबालिग को पकड़कर उसके साथ मारपीट की और सिर में बाइक की चाबी से ठोक दी। हमलावर लाठी डंडों से नाबालिग की मारपीट कर फरार हो गए। घायल नाबालिग को परिजनों ने बसेड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल नाबालिग राहुल पुत्र रामकेश की मां ने बताया कि गुरुवार देर शाम राहुल घर से बाजार में सब्जी खरीदने गया था, लेकर रास्ते में विरोधी पवन समेत कई युवकों ने उसे घेर लिया। आरोपियों ने राहुल के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। इसके बाद एक आरोपी युवक ने पत्थर से सिर में बाइक की चाबी ठोक दी। घायल राहुल को परिजनों ने बसेड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा, जिसे लेकर नाबालिग पर जानलेवा हमला किया है। घायल पक्ष ने नामजदा आरोपियों के खिलाफ बसेड़ी थाना पुलिस को रिपोर्ट पेश कर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये वाले लड़का सब्जी लेने गए बाजार, तो तीन चार लड़के गए। एक लड़की है, आपको नाम हो लक्ष्मी, एक को नाम हो पवन, एक को नाम हो मानसिंह और एक को नाम हो धीरज। जिनमें मैं लड़का के दोनों हाथ पकड़ने लगे, एक तो एक पकड़ो लक्ष्मी है, एक पकड़ो पवन सिंह है, पीछे से पवन ने किल टूटी है मैं बड़ा के पद पत्ते। कारण क्या था? कारण जी पहले जी का कहते जमीन था, मेरे को कचू रट्ट हो गो, मन नहीं करते ही क्या मत बना तब तो नहीं करके कर डिगर आए सुनो करे अब तो मन देख गए हम। और मैं मना अकेले ही चाप लो बीच चौड़ाई पे मारो भाई तो इतनी लट गए मोड़ा के और हाथ पैर में और सगर जी किलो और कोई नहीं हो। अगर घर कल शाम को करीब 7 बजे झगड़ा हुआ था, रामकेश कोहली और मुन्नी देवा मुन्ना कोहली है, दोनों कोहली काड्डा बसेड़ी, इनको शादी सगाई समारोह का बात है। उससे पहले कि जमीन का विवाद था, जिसमें मुन्नी पक्ष कोर्ट से जीत गई थी, वो अपना एक कमरा वमरा बनाना चाह रही थी, तो इस पक्ष का इसने रोका होगा उसको, इस बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें रामकेश के लड़के रोहित और मुनि पक्ष की तरफ से नैने, इन दोनों में झगड़ा हुआ और दोनों की चोटें आई हैं और दोनों पक्षों के आदमी हमने उचित कानून बंद किए और रिपोर्ट अभी आई नहीं है। जैसे रिपोर्ट आएगी दोनों के मामले दर्ज कर लिए गए हैं, मेडिकल रात को उनका करवा दिया था।